गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाला है कि कैसे आप कोई भी इमेज को कंप्रेस कैसे कर सकते हो। सो इमेज को कंप्रेस करके एसईओ से क्या मतलब, तो जो भी इमेज होता है आपके वेबसाइट में अगर उसका साइज बड़ा हो सो उसकी वजह से आपका वेबसाइट का लोड टाइम बढ़ जाता है। सो अगर आपका वेबसाइट का लोड टाइम बढ़ेगा तो आपका रैंकिंग कम होता जाएगा, क्योंकि वो बहुत लोग क्या होता है, आते वेबसाइट पे 3 सेकंड वेट करते हैं, पेज लोड हुआ तो ठीक, नहीं लोड हुआ तो पीछे हट जाते हैं। सो इसके लिए आपका इमेज जो है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो उसके लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले ना गूगल खोल लेना और डाल देना सिंपली कंप्रेस जेपीजी। या तो कंप्रेस जेपीजी क्यों, पहले अगर आपका जो फोटो या फाइल इमेजेस है वो अगर पीएनजी फॉर्मेट में, तो पहले उसको आप कन्वर्ट करिएगा जेपीजी फॉर्म में और फिर कंप्रेस जेपीजी जस्ट सर्च कर लीजिएगा। मतलब समझो आपके पास कोई फोटो है सो उसको हम कंप्रेस करेंगे जेपीजी फॉर्म में, जो भी फोटो है। तो हम लोग सबसे पहला गूगल में जो रिजल्ट आया उस पर क्लिक कर लिया, और जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होती है आपको यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन दिख जाता है। सो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही आप कोई भी एक फ़ोटो ले लो। तो जैसे कि इसका साइज़ है 18.3 MB, ठीक है, जैसे कि बता रहा है। सो ये क्या करेगा, उस इमेज को कंप्रेस कर देगा और क्वालिटी इतनी भी नहीं गिराएगा, बट एक हद अच्छा तरीके से मतलब कंप्रेस कर देगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने ये 18 MB से कितने MB में कन्वर्ट होता है। सो जितना बड़ा फाइल होगा उतना टाइम लेगा। सो जैसे कि यहाँ पे बता रहा 90% कम हो चुका है। मैं आपको इसका साइज कितना हो गया वो दिखाता हूँ, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ सबसे पहले इसे। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो डाउनलोड हो चुका है। सो इसका साइज था 18 MB। सो जस्ट इस पर आपको क्लिक करके शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है और इसका साइज चेक कर लेना है प्रॉपर्टीज में। 1.77 MB का ये फाइल हो चुका है, जिसका मतलब है कि ये 90% कंप्रेस हो चुका है। सो इससे अब क्या होगा, ये इमेज जब आप अपने वेबसाइट में यूज़ करोगे ना, सो आपके वेबसाइट का स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि 18 MB का फाइल लोड होने को टाइम लगता था, पर अब आपका जो 18 MB का इमेज था वो 1.77 MB का हो चुका है। सो 90% आपका स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। सो इमेज कंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के साथ या वेब डेवलपर्स के साथ, और ऐसी वीडियो को आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए ऑन वेब नीलेश के नाम से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।